हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, बहुत अच्छी धूप भी है। यूपी में केवल मॉर्निंग में 9 बजे तक फॉग बहुत रहता है और इस टाइम अच्छी धूप हो जा रही है। और धूप अच्छी है तो अब जा रहे हैं जेके टेम्पल घूमने के लिए। और ये कानपुर का सबसे फेमस टेम्पल है, तो आप सभी को ले चलते हैं, दिखाते हैं कैसा है। मिलते हैं वीडियो में। हाँ, आप सुनो। क्या? कुछ सुना रही थी ना? क्या सुनाया था? ट्विंकल, तिरंगा वाला। अच्छा, वो तो सुना चुकी हो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है आज घूमने? टेम्पल घूमने? कहाँ? टेंपल घूमने। अच्छा, चलो फिर करो चल के एंजॉय। चलो। क्या कह रही थी? अभी चले? आप कह क्या रही थी बताओ? अरे पहले चलो। पहले चले? चल तो रहे हैं। उनने तैयारी करी है। किसने तैयारी करी है? सुन तो पे नहीं देख रहा है। जबरदस्ती रोड निकाल दी क्यों? अच्छा लग रहा है कैब में भी। क्या गर्मी दे दिया कैब के? हाँ, यहाँ आ गए। यहाँ पे दिखा रहे हैं। ग्रेट आए। आए हाथ तो मेन रोड पे आ गए। इधर हम दिखा रहे हैं। लो काव्य देख लो। नहीं भाई, काव्य अकू भाई जो नारियल निकलते हैं ना पीछे, आगे बैठे हैं ये लोग। हाँ, समोसा आ गया। समोसा? अरे हमारी गाड़ी आ रही है, रुको देखो। कौन? तो पहुंच गए हम सारे लोग और यहाँ चेकिंग हो रही है सबकी। और विदाउट मास्क एंट्री नहीं थी, तो चेकिंग कराने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं। और ये मंदिर का राइट साइड का एरिया है और इससे होते हुए दूसरी साइड जाना है। और ये सारे बच्चे जो है ना अपनी दादी के साथ थे और हम और देवरानी साथ में चल रहे थे। और इस टाइम यहाँ पर ना वैसे तो अगर गर्मी होती है तो थोड़ा ये जो यहाँ घास वगैरह है, पेड़ है, ये थोड़ा सूखे हो जाते हैं। पर इस टाइम ना सर्दी की वजह से सब जगह बहुत ग्रीनी ग्रीनी था, देखने में अच्छा लग रहा था। और ये है पूरा इस साइड एरिया का, गेट से एंट्री होते हुए इस साइड का, और दूसरे साइड का भी दिखाया था। और इसके बाद सामने है मंदिर। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ कुछ ना कुछ डेली बनता ही है, चाहे एक ईंट ही क्यों ना लगाई जाए तो कुछ ना कुछ यहाँ बनता ही रहता है। और विदाउट चेकिंग फिर वहाँ एंट्री नहीं है। और बेल्ट, मोबाइल और वॉलेट सारी चीज़ें ना बाहर रख के ही अंदर एंट्री है। तो अंदर के एरिया का मैं नहीं दिखा पाई थी, और बाहर का जितना भी है वो मैंने सारा शूट कर लिया था। और जन्माष्टमी में ना यहाँ बहुत भीड़ होती है और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है मंदिर को, और लाइटिंग की वजह से बहुत प्यारा लगता है उस दिन ये मंदिर। और 2 साल से या शायद ये 3rd टाइम है जब जन्माष्टमी के दिन सब कुछ बंद था, कोई नहीं आ सकता था इस पे दर्शन करने के लिए कोविड की वजह से। नॉर्मल टाइम पे ये ओपन है। और मेरे मायके के साइड पड़ता है ये, तो शादी के पहले भी बहुत बार आई हूँ और भी बहुत बार ससुराल के साइड से भी आई हूँ, तो काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ इस पे। पर इधर कुछ दिन से नहीं आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। Thank you.
और मंदिर में कुछ भी चढ़ाना अलाउड नहीं है। तो फिर हम लोग अब दर्शन करके आ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर तो दर्शन करा नहीं सकते थे, मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। और बस इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और ये है बच्चों की, देखो मस्ती चल रही है यहाँ पर। और मेरा कुहा भैया कहाँ है? एक कुहा, ये देखो, ये देखो भाई, मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी वहाँ बातें कर रही। पापा रे, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।